उत्तराखंड विधानसभा, क्या है भर्तियों में गड़बड़ी का मामला? किसने किया भर्तियों में पक्षपात? कौन है असली गुनहगार? उत्तराखंड में इन दिनों घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं। पहले यूके 83 पेपर लीक, फिर एसआई भर्ती का घोटाला और अब विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर बवाल। विधानसभा में नियुक्तियों का आरोप तो पूर्व स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल पर लगा है, लेकिन उंगलियां सरकार पर ही उठ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी सरकार सत्ता में उस वक्त मौजूद थी और आज भी बीजेपी की सरकार सत्ता में मौजूद है। लाजमी है कि विपक्ष को बैठे बिठाए एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। हालांकि मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडरी को चिट्ठी लिख नियुक्तियों की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने नियुक्तियों में अनियमितताओं की हाई लेवल जांच कराने की मांग की है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए पूरे मामले को जानते हैं। क्या है विधानसभा में नियुक्तियों का मामला? पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने नियुक्तियों में पक्षपात करने का आरोप लगा है। प्रेमचंद्र अग्रवाल 2017 से 2022 तक विधानसभा अध्यक्ष थे। 2017 से 2022 तक राज्य में बीजेपी की सरकार थी। आरोपों की विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए अग्रवाल ने बैकडोर से भर्तियां की। उन पर राजनेताओं के रिश्तेदारों और करीमियों को विधानसभा में नियुक्त करने का आरोप लगा है। सीएम ने की जांच की मांग। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौजूदा विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडरी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि विधानसभा एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है और इसकी पवित्रता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। सीएम धामी ने चिट्ठी में विधानसभा में नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं के आरोपों की हाई लेवल जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अनियमितताओं का पता चलाने के लिए भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा। यूके 83 पेपर लीक क्या है? उत्तराखंड सबऑर्डिनेटर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कथित पेपर लीक घोटाले में एसटीएफ ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 50 से ज्यादा अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया गया है। 4 और 5 दिसंबर को ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा भी हुई थी। आरोपी के एग्जाम से पहले इसका पेपर लीक हो गया था और इसका इस्तेमाल कर अभ्यर्थी पेपर देने गए थे। इस परीक्षा में 1.60 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, जिसमें से 916 का चयन हुआ था। एसआई भर्ती घोटाला क्या है? अप्रैल 2015 में उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट एग्जाम हुआ था। इसके रिजल्ट जून 2015 में आए थे। 354 पदों के लिए 18,697 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। उत्तराखंड सरकार ने 2015 में सब इंस्पेक्टर भर्ती की जांच करने के आदेश दिए हैं।